अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा 2 BHK का फ्लैट जो 55 गज में बना हुआ है, इंडिपेंडेंट फ्लैट। हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, टोटल इस बिल्डिंग में 4 फ्लैट है और मेट्रो स्टेशन से तकरीबन इसकी जो दूरी है वो 300 मीटर है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। ये जो फ्लैट है ये रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं, आप इस पे 80% से 85% तक लोन ले सकते हैं और इसकी जो लोकेशन है सैनिक नगर द्वारका मोड़ उत्तम नगर न्यू दिल्ली में ये फ्लैट आता है। मेट्रो स्टेशन से तकरीबन ये 300 मीटर की दूरी पे ये फ्लैट आपको मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको लिए चलता हूँ बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। रोड देखेंगे, पार्किंग देखेंगे और फिर आएंगे अपने फ्लैट के अंदर। आइए। हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट का जो बेस्ट पार्ट है, एक तो इंडिपेंडेंट फ्लैट है और फ्रंट में ही आपको 2 बेडरूम मिलेंगे। अभी हम लोग ड्राइंग रूम में खड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कॉमन वॉशरूम है वो मिल जाता है, साथ में इधर किचन है जो पूरा कवर्ड है और एक तरफ आपको 1 बेडरूम मिलता है, सामने वेंटिलेशन है और दूसरा बेडरूम आपको यहाँ मिलता है, ये भी फ्रंट में है, इसके साथ बैल्कनी है। अभी मैं दिखाता हूँ अपना ड्राइंग रूम। हालांकि ये 55 गज का फ्लैट है, उसके बाद भी आपको काफ़ी स्पेस ड्राइंग रूम में मिलता है। नीचे की फ्लोरिंग दिखाएं आप, इस तरह की फ्लोरिंग दी गई है और जो साइज़ आप देख रहे हैं वो एक्चुअल साइज़ आपको दिख रहा होगा। हम लोग वाइड लेंस कैमरा यूज़ नहीं करते हैं। या तो आप एक बार ऐसी इधर दिखाना, या तो आप एल टाइप में यहाँ सोफ़ा लगा सकते हैं और अगर यू टाइप में लगाना चाहते हैं तो इस 2 BHK के फ्लैट में भी बहुत लाविश लुक आएगा। ऐसे पूरा आपका यहाँ सोफा आ जाएगा इस तरह से और बीच में कॉफ़ी टेबल आ जाएगा, ये आपके जाने का रास्ता रहेगा। बहुत ही शानदार दिखेगा ये आपका जो ड्राइंग रूम है वो। यहाँ पे हमने टेक्सचर पेंट यूज़ किया है और ऊपर जो डिज़ाइन दी है इस तरह से फॉल सीलिंग के। उसके बाद इस ड्राइंग के वेंटिलेशन के लिए एक बार अंदर आए आशीष, यहाँ इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है। कॉलवेल यहाँ लगाए गए हैं और ये इंटरकॉम है, नीचे स्पीकर लगी हुई है। अगर कोई आते हैं आपके यहाँ तो वो जब बटन प्रेस करेंगे यहाँ आपका रिंग बजेगा, आप उन्हें पहचान सकते हैं। और अगर आपके नोन है तो फिर यहाँ बटन प्रेस करेंगे वो जो पार्किंग का दरवाज़ा है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसी के साथ जो हमने कॉमन वॉशरूम दिया है वो मैं दिखाता हूँ। हालांकि इसमें 2 बाथरूम है, एक कॉमन वॉशरूम है, एक अटैच है। देखिए काफ़ी स्पेसियस ये आपको जो वॉशरूम है वो मिल जाता है। इसमें जो टाइल्स यूज़ की गई है वो एंटी स्किड टाइल्स है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ वॉल माउंटेड फ्लश दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ गीजर के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ शावर मिल जाता है और अगर ऊपर से ही दिखाऊं तो वेंटिलेशन के लिए वहाँ स्पेस छोड़ा गया है। और यहाँ एक बार दिखाएं आशीष, ये वॉश बेसन यहाँ लगाए गए हैं और साथ में एक बार राउंड और करें, ये आपको डाइवर्टर मिलता है, इसी से आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर आ जाएगा। ये जल बोर्ड के लिए दिया गया है। और इसमें जो लाइट्स ऊपर लगाई गई हैं ये सेंसर वाली लाइट्स हैं, जैसे आप अंदर आएंगे ये ऑन हो जाएगा, बाहर जाएंगे ऑफ हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किचन, ये हमारा किचन है, एक बार दिखाइए आशीष। एक स्मॉल फैमिली के हिसाब से जो किचन का साइज है, जो किचन का लुक है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है। मैं दिखाता हूँ आपको,
एक तो यहाँ आपको स्पेस मिल जा रहा है, यहाँ भी स्पेस आपको मिलते हैं, बीच में जो स्पेस दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के लिए दी गई है, यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं और यहाँ भी आपको कैबिनेट मिलता है। अगर कटलरी वेयर की बात करूँ तो पहले मैं प्लेट का दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लेट के स्लॉट्स बनाए गए, यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है, कटलरी वेयर के लिए आपको यहाँ स्पेस मिलते हैं और यहाँ भी कैबिनेट्स दिए गए हैं, ये भी आपको स्पेस मिल जा रहा है। यहाँ आप अपना जो सिलेंडर है वो रख सकते हैं, यहाँ आपका चूल्हा रहेगा, यहाँ होल की गई है, इसी से पाइप आपका बाहर आ जाएगा। अगर ऊपर डिजाइन की बात करूं तो जो लाइट्स है ना, इस तरह के लगाए गए हैं ऊपर लाइट्स, एक बार राउंड करके पूरा किचन दिखाएं, नीचे का कैबिनेट्स भी और ऊपर का भी। अब देखते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम। इस फ्लैट की एक अच्छी बात यह भी है कि दोनों रूम से आपको बैल्कनी मिलती है। इस 2 BHK के 55 गज के फ्लैट में बहुत ही अच्छा लेआउट निकाला गया है। पहले मैं वेंटिलेशन की बात करता हूँ, ये पूरा आपको विंडो मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ आपका विंडो एसी के लिए प्रोविजन दिया गया है, ये वार्डरोब यहाँ मिल जाता है आपको, और ऊपर इस तरह की डिजाइन फॉल सीलिंग के। इसी के साथ आपको बैल्कनी मिलता है, वो दिखाने से पहले मैं दिखाऊं, अगर ऊपर ही दिखाइए, अगर मैं लाइट ऑफ भी कर देता हूं तब भी इस बेडरूम में दिन में आपको रोशनी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। तो चलिए मैं पहले बैल्कनी दिखाता हूं और यहीं से हम दूसरे बेडरूम में आपको लिए चलेंगे। ये पूरा जो साइज़ है वो आपका बैल्कनी का मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज़ 2 BHK के हिसाब से। एक बार इधर से दिखाएं, ये टफन ग्लास यहाँ पे लगाए गए हैं। आप इसको अपना वेट एरिया बना सकते हैं, यहाँ टैब भी दिए गए हैं, वॉशिंग मशीन आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद यहीं से जो हमारी दूसरा बेडरूम है उसकी एंट्री है। दोनों बेडरूम से आपको बैल्कनी मिलती है। अगर इसका भी मैं पहले दिखा देता हूँ फिर मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाऊंगा। एक जो अटैच वॉशरूम दिया गया है इसमें, इस तरह का, एक बार आशीष दिखा दीजिए नजदीक आके, ये अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। इसके वेंटिलेशन के लिए वहां स्पेस जो दिख रहा है वो शाफ्ट का स्पेस है, वेंटिलेशन के लिए छोड़ा गया है। टेक्सचर पेंट जो है वो इस तरह के यहां पे हम लोग ने करके दिया है, और ऊपर जो डिजाइन है आपको इस तरह की मिलती है फॉल सीलिंग के, जिसमें LED और कॉब लाइट्स दोनों लगाई गई हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा सा यहाँ पे TV पैनल मिल जाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है आप देखें, ब्लैक और व्हाइटिस का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये सारे आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, डिश TV का जो बॉक्स है या कुछ और भी सजाना चाहते हैं उसके लिए सारा आपको स्पेस मिल जाता है। अगर मैं लाइट्स ऑफ करके भी दिखाऊं तो आपको इस रूम में भी दिन में लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही वेंटिलेटेड और रोशनी पूरे घर में आपको इसमें मिलेगी। ओवरऑल अगर इस फ्लैट की मैं बात करूँ तो इसका जो बेस्ट पार्ट है, 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट 55 गज में बना हुआ सैनिक नगर में, बहुत ही अच्छे लोकेशन में आता है सैनिक नगर उत्तम नगर के। 2 बेडरूम, दोनों बेडरूम फ्रंट में, दोनों बेडरूम के साथ आपको बैल्कनी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स कभी आप देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इसकी कीमत की बात करूँ, तो इसका जो प्राइस है वो हम लोग ने 23 लाख रुपीज़ रखा है। इसके साथ हम लोग बाइक पार्किंग देंगे, इसमें कार पार्किंग नहीं है, इसके साथ हम लोग बाइक पार्किंग दे रहे हैं। और मेट्रो स्टेशन से इसकी जो दूरी है वो तकरीबन मैंने पहले भी बताया कि 300 मीटर के आसपास है।
कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है sanvesh.com, आप वहां पर विजिट करें, या आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सानवेश स्टेट के बारे में या इस फ्लैट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तभी सानवेश स्टेट है, तभी हम हैं क्योंकि आप ही सानवेश स्टेट के पिलर हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रीसिस टाइम।